हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रुति पांडे आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट काइड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड टूडे वील बी डीलिंग विद लेक्चर टू ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन क्या है इट इज लापलास ऑफ आउटपुट अपॉन लापलास ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू जीरो ठीक है इसके अलावा हम ओपन सिस्टम और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या क्लोज लूप सिस्टम दोनों के ही ट्रांसफर फंक्शंस पिछले लेक्चर में देख चुके हैं ठीक है उसका एक छोटा सा रिवीजन और ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं ओपन सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन क्या है यह है उसका ब्लॉक डायग्राम जिसमें आर एस इज इनपुट सी एस इज आउटपुट एंड जी एस इज ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा सी एस अपॉन आर एस है ना क्योंकि ये एस डोमेन में है एस डोमेन में इसलिए हम कह रहे हैं लाप्लास ऑफ आउटपुट यानी सी एस अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट यानी आर एस इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन दिस इज ऑल अबाउट ओपन सिस्टम अब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन की क्लोज सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन में क्या पड़ा था इनपुट इज आई आर एस आउटपुट इज सी एस एक है फीडबैक विच इज़ नोन एज जी एच एस ट्रांसफर फंक्शन का जो गेन ब्लॉक है दैट इज जी एस और ये एक सिग्नल है ई एस ठीक है तो इसमें क्या होता है कि इधर से आउटपुट इनपुट आ रहा है आर एस यहाँ से पीछे से फीडबैक जा रहा है अगर ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो नेगेटिव फीडबैक जा रहा है अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है ठीक है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पहले तो एक ये चीज़ और जानने वाली है अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है और क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है तो एक डिफरेंस जो है जो क्लियर करना इज इम्पॉर्टेंट कि एक होता है ओपन सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन इसमें लूप नहीं है दिस इज ओपन सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इसमें लूप नहीं है और ये है क्लोज लूप सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम में होता है एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और एक होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम क्या है अगर यहां से ये वाला पार्ट हटा दिया जाए जो लूप को कंप्लीट कर रहा है अगर सिस्टम इस तरीके का रहे इधर प्लस इधर माइनस ये वाला पार्ट हटा दें दिस विल बी जी एस दिस विल बी सी एस और यहां से है एच एस ठीक है लेकिन ये वाला लूप डिस्कनेक्टेड है ठीक है इधर से आ रहा है आर एस तो ये जो सिस्टम है यह है ओपन लूप ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इससे निकलेगा ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम तो वो क्या होगा उसकी वैल्यू होगी जीएस इन टू एच एस यानी ये जी एस इंटू ये एच एस ठीक है तो दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है सी एस ये पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस जब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो प्लस आ रहा है और जब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा यानी जी एस अपॉन वन माइनस जी एस एच एस विल बी द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ठीक है अब एक बेसिक एग्जाम्पल्स से क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमने पहले ये बात भी की है कि ट्रांसफर फंक्शन हम निकालते क्यों हैं किसी भी फिजिकल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के लिए या किसी भी फिजिकल सिस्टम की स्टडी करने के लिए उसका मैथमेटिकल मॉडल निकालना होता है ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें और उसकी स्टडी कर सकें और इसलिए हम ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ते हैं तो एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं आर सर्किट का ठीक है तो एक है आर दिस इज सी ठीक है यह है आर सी सर्किट आर और सी ये है टाइम डोमेन में वी इनपुट टी और ये है टाइम डोमेन में वी आउटपुट टी ठीक है एक छोटी सी चीज़ ये भी जानने वाली है जो कि आपने पहले नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा है कि टाइम डोमेन में आर को एस डोमेन में अगर कन्वर्ट करना है तो इट इज़ इक्वल टू आर अगर एल है तो इट विल बी इक्वल टू एस एल और अगर सी है तो इट इज़ इक्वल टू वन अपॉन एस सी ठीक है ऐसा क्यों कैसे होता है ये एक क्विक उससे जान लेते हैं कि अगर एक रेजिस्टिव सर्किट है यहां पे है वी इनपुट और ये है आई टी ठीक है ये है वी इनपुट टी और ये है आर ठीक है अगर इसके टाइम डोमेन में है, है ना क्योंकि टी दिख रहा है टाइम डोमेन में अगर इसका एस डोमेन सर्किट बनेगा तो क्या होगा ये होगा आई एस ये होगा आर और इसका इनपुट होगा वी एस ठीक है तो ये है टाइम डोमेन में ये हो गया एस डोमेन में रेजिस्टिव लोड अब इसी तरीके से अगर इंडक्टिव लोड है इंडक्टिव लोड देखना है तो क्या होगा इंडक्टिव लोड एल दिस इज वी टी या वी इनपुट टी ये है आई टी ठीक है दिस इज एल तो वी इनपुट टी क्या होगा वी इनपुट टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी ठीक है यही होगा इसको अगर S डोमेन में लिखेंगे या इसका लाप्लास निकालेंगे तो क्या आएगा V ऑफ s इज इक्वल्स टू L I ऑफ s s s is ठीक है di/dt का लाप्लास है sis तो क्या आया vs is equals to ls is ठीक है अब इसका ये है इसका t डोमेन में सर्किट अगर इसका s डोमेन में सर्किट निकालना है तो क्या करेंगे ये होगा vs यहां से जो करंट आ रही है इट इज is, is और ये होगा sl ठीक है तो दिख रहा है कि lt डोमेन में s डोमेन में कन्वर्ट होकर sl हो जाता है आर जो टी डोमेन में है वो एस डोमेन में कन्वर्ट होके आर ही रहता है एंड सिमिलरली सी जो है वो टाइम डोमेन से जब एस डोमेन में आता है तो एस सी हो जाता है ठीक है अब डायरेक्ट सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं ठीक है दिस इज आर दिस इज सी दिस इज वी आई टी दिस विल बी आई टी करेंट एंड दिस विल बी वी आउटपुट टी ठीक है अब निकालना क्या है निकालना है ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशंस जीरो ठीक है अब लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट क्या है इसका लाप्लास क्या होगा वी आउटपुट एस अपॉन वी इनपुट एस ये निकालना है ठीक है तो ये कैसा सर्किट दिख रहा है ये इसमें अगर वी आउटपुट एस की वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर क्या कहता है अगर एक ये आर वन है और एक ये वैल्यू आर टू है दिस इज वी वन दिस इज वोल्टेज वी टू और वी टू की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर सकते हैं वी टू इज इक्वल्स टू वी वन यानी इनपुट वोल्टेज इन टू जिस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस स ठीक है ऐसे निकलता है वोल्टेज डिवाइडर बिल्कुल वोल्टेज डिवाइडर यहां पर लगा सकते हैं तो क्या हो जाएगा कौन सी ब्रांच के अक्रॉस निकालना है इस ब्रांच के अक्रॉस और इस ब्रांच का अगर इस सर्किट का लापलास सर्किट बनाएंगे या इस डोमेन में सर्किट बनाएंगे तो कैसा बनेगा ये आर वन अपॉन एस सी दिस विल बी वी इनपुट एस एंड दिस विल बी वी आउटपुट एस ठीक है अब इसका आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं v आउटपुट s इज इक्वल टू वी इनपुट एस इन टू जिस ब्रांच के अक्रॉस निकालना है वो ब्रांच क्या है वन अपॉन एस सी होल अपॉन आर प्लस वन अपॉन एस सी आर प्लस वन बाई एस सी निकालना क्या था ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट लाप्लास आउटपुट अपॉन लाप्लास इनपुट ये इधर लेकर जाएंगे क्या आ जाएगा वी आउटपुट एस अपॉन वी इनपुट एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस सी इधर नीचे एलसीएम ले लेंगे एस सी एस सी आर प्लस वन ये दोनों एस सी कैंसिल हो गया क्या आया वन अपॉन वन प्लस आर एस सी ठीक है तो ये जो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट निकल के आया है ये बहुत ही फेमस फंक्शन है जो डिराइव होकर आया है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट किसका आरसी सर्किट का विच इज इक्वल टू वन अपॉन आर एस सी ठीक है तो ये है इस तरीके के और भी बहुत सारे आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे जब आपको ये ये तो मैंने आर सी सर्किट लिया इस तरीके से आप अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं आर एल सर्किट की आर एल सी सर्किट की या फिर नंबर ऑफ़ सीरीज़ और पैरल में रेजिस्टेंसेज लगाइए नेटवर्क थ्योरी से इसे सॉल्व करिए और आउटपुट अपॉन इनपुट यानी टाइम डोमेन से एस डोमेन में पहले सर्किट करके एस सी को वन अपॉन एस सी और एल को एस एल करके सर्किट को एस डोमेन में निकालिए पहले और फिर वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट करके किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकल सकता है और एक बार अगर ट्रांसफर फंक्शन निकला तो इससे हम बहुत सारे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेटर ठीक है अब ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन एस डोमेन ठीक है रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है तो पहले तो ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन एस डोमेन ठीक है एस डोमेन मतलब अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन है जो एस से लिखा है एस माइनस एस एन वन एस माइनस एस एन टू एस माइनस एस एन थ्री ठीक है तो न्यूमरेटर वाला पार्ट कब जीरो होगा होगा कब हो जब एस की वैल्यू विल बी इक्वल टू एस एन वन एस की इक्वल टू कॉमा की कमा बीवल टू एस एन थ्री इससे क्या पता चल रहा है फॉर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ एस ठीक है एस की एस एन वन एस एन टू एस एन थ्री इन सभी वैल्यूज के लिए ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन है विल बी इक्वल टू तो जीरो ठीक है तो ये जो वैल्यूज होती हैं इन वैल्यूज को हम कहते हैं जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ठीक है zeros of transfer function, तो जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ एस एन वन कॉमा एस एन टू कॉमा एस एन थ्री ठीक है ये हुआ जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन रिट्स एज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ठीक है अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब है पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या है एस की वो सभी वैल्यूज एस की वो सभी वैल्यूज यानी एस इज इक्वल्स टू एस डी वन कॉमा एस डी टू कॉमा एस डी थ्री एस की वो सभी वैल्यूज जिनके लिए ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है उन सभी वैल्यूज को कहते हैं पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ठीक है तो एस की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जीरो वो होता है जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन और एस की वो सभी वैल्यूज जिनके लिए ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू इन्फिनिटी उसे कहते हैं पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ठीक है अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट uh, समझने के लिए भी और न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ने के लिए भी पहला तो ये है कि किसी भी प्रैक्टिकली फिजिबल सिस्टम में नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा नंबर ऑफ़ जीरोस के ठीक है हाइपोथेटिकल सिस्टम या न्यूमेरिकल uh, कहीं थ्योरेटिकल बुक्स में दिया हो तो दैट इज डिफरेंट लेकिन किसी भी फिजिकल सिस्टम में पी इज ऑलवेज या तो ग्रेटर देन जेड या फिर इक्वल टू जेड ठीक है फॉर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो दो तरीके के ट्रांसफर फंक्शन हुए एक हुआ प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन जिसमें विल बी इक्वल टू जेड और अगर पी इज ग्रेटर देन तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन ठीक है तो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन में क्या है पी इज इक्वल टू जेड और इम प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन में पी इज ग्रेटर देन जेड अगर नंबर ऑफ पोल्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज तो वी अज्यूम सम पोल्स एंड समीरोज विच लाई एट इंफिनिटी अगर ऐसा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है ठीक है नंबर ऑफ़ जीरोस कुछ कम दिख रहे हैं अगर सिस्टम के अंदर तो हम ऐसा मानते हैं कि वो नंबर ऑफ़ जीरोस जो हैं वो कहीं पे इंफिनिटी में लाइ कर रहे होंगे जैसे जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया है इस एग्जाम्पल में कितने नंबर ऑफ़ पोल्स हैं सी डी और ई यानी एस इज इक्वल्स टू माइनस सी कॉमा माइनस डी कॉमा माइनस ई ये तीन हो गए इसमें पोल्स और जीरोस कितने हैं एस इज इक्वल्स टू माइनस ए कॉमा माइनस बी जीरोज हैं दो तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक जीरो जो है एक जीरो जो है वो कहीं इंफिनिटी पे लाई कर रहा होगा ठीक है और इस इसके बाद नंबर ऑफ़ पोल्स और नंबर ऑफ़ जीरोस बिल्कुल सेम होंगे और ये एक प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होगा ठीक है अब क्या है ये हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ सिस्टम और टाइप ऑफ सिस्टम गेट को गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये इससे बहुत अक्सर ही जो पी एस यूज है या गेट एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या है टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन नंबर ऑफ पोल्स यानी डिनोमिनेटर से जो निकलते हैं ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ सिस्टम और टाइप ऑफ सिस्टम क्या है टोटल नंबर ऑफ पोल्स दैट लाई एट ओरिजिन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी टाइप ऑफ सिस्टम हम निकालते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से यानी जी एस एच एस से और जो क्लोज ऑर्डर ऑफ सिस्टम है वो हम निकालते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से जिसको हमने पहले डिराइव किया है जीएस अपॉन वन प्लस hs ठीक है अब आते हैं उसके एक एग्जाम्पल से एग्जाम्पल से देखते हैं ये दिया हुआ है एक सिस्टम ठीक है एक सिस्टम है अब इसमें क्या क्या निकालना है ऑर्डर और टाइप ऑफ सिस्टम तो सबसे पहले टाइप ऑफ सिस्टम निकाल के देखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम क्या होगा हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा टाइप ऑफ सिस्टम है टोटल नंबर ऑफ पोल्स दैट लाई एट ओरिजिन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन टू जी एस इन टू एच एस ठीक है अब जी एस निकालना है तो क्या है जी वन एस ये दिया हुआ है और जी टू एस ये दिया हुआ है दोनों कैस्केड में लगे हैं तो जीएस क्या निकल जाएगा जीएस इज इक्वल्स टू जी वन एस इन टू जी टू एस जो कि क्या होगा वन अपॉन एस एस प्लस वन एस प्लस एट ये हो गई जी एस की वैल्यू ठीक है एच एस क्या दिया हुआ है एच एस दिया है वन अपॉन एस तो अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है जी एस इंटू एच एस तो इसकी वैल्यू क्या होगी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर ये दोनों एस मल्टीप्लाई हो गए एस प्लस वन अपॉन एस प्लस एट ठीक है अब देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितने पोल्स ओरिजिन पे लाई कर रहे होते हैं ये एस स्क्वायर का क्या मतलब है एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो और एस इज इक्वल्स टू माइनस एट ये हैं पोल्स तो दो पोल्स ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं तो इसका टाइप ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा टाइप ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू टू ठीक है ये निकल के आया टाइप ऑफ सिस्टम अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ सिस्टम ऑर्डर ऑफ सिस्टम ऑर्डर ऑफ सिस्टम के लिए हमने पीछे क्या पढ़ा है ऑर्डर ऑफ सिस्टम के लिए हमें निकालना है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ठीक है तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल के देख लेते हैं ठीक है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये क्या होता है जीएस अपॉन वन प्लस जी एच एस ठीक है मान लेते हैं देखिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो इसमें वन प्लस आएगा ठीक है तो जीएस क्या है एस प्लस वन अपॉन एस एस प्लस एट ये हो गया जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वेर ये मल्टीप्लाई हो गया एस प्लस एट ठीक है ये आ गई वैल्यू अब देखिए एस प्लस वन अपॉन एस एस प्लस एट इज इक्वल एस स्क्वा एस प्लस एट प्लस एस एस प्लस वन होल अपॉन एस स्क्वेर एस प्लस एट ठीक है तो एस प्लस एट एस प्लट एट कैंसिल ये दोनों कैंसिल ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा एस एस प्लस वन होल अपॉन एस स्क्वेर एस प्लस एट प्लस एस एस प्लस वन ठीक है यहाँ से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इससे अगर जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या पार्ट आ रहा होगा एस क्यू प्लस एट एस स्क्वेयर प्लस एस प्लस एस ठीक है एक जगह कहीं पे एस स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी होगी ठीक है तो इससे क्या आ रहा है एस क्यूब एस क्यूब आ रहा है कितने कौन से कौन से वाले पोल्स है ये एस क्यूब है क्लोज लूप सिस्टम यानी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से जो वैल्यू का न्यूमिरे डिनोमिनेटर है ठीक है यानी एस क्यूब तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या हो गया थ्री

ये इस तरीके से एस प्लस वन और एस प्लस टू पोल जीरो फॉर्म है जिसमें से जीरो हो गया एस की वैल्यू माइनस वन और पोल हो गया एस की वैल्यू माइनस टू यह हो गया पोल जीरो फॉर्मेट दूसरा होता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म टाइम कांस्टेंट फॉर्म किस फॉर्म में होता है वन प्लस एस टी अपॉन वन प्लस एस टी वन ठीक है अगर कोई पोल जीरो फॉर्म में दिया है और उसे हम अगर टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म में निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं ये दिया हुआ है पोल जीरो फॉर्म में इसे टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म में निकालना है तो क्या करेंगे टू ये वन कॉमन ले लेंगे बाहर वन वन प्लस एस बाई वन और डिनोमिनेटर में ये टू बाहर कॉमन ले लेंगे टू वन प्लस एस बाई टू ठीक है तो दिख रहा है यहाँ पे एस टी फॉर्म में यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या है वन बाय वन और यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या है वन अपॉइंट टू अगर ये एस टी फॉर्म में देखा जाए तो ये टी या टाइम कॉन्स्टेंट टाउ जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है वन बाई टू ठीक है तो ये हो गया टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म ये दोनों फॉर्म्स में हम ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हाँ अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में डिफरेंस ठीक है तो पहले ब्लॉक डायग्राम बना के देख लेते हैं ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक में यहां पे अगर नेगेटिव पार्ट आ रहा है तो दिस इज नेगेटिव फीडबैक ऊपर है जी एस यहां पे है एच एस और दिस इज सी एस ठीक है तो दिस इज नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक क्या है पॉजिटिव फीडबैक में ये वाले पार्ट पे आता है पॉजिटिव पार्ट फीडबैक से आ रहा है पॉजिटिव एच एस जी एस और दिस इज सी एस ठीक है अब क्या है कि एक चीज जो देखने वाली है कि गेन गेन पे क्या फर्क पड़ता है देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है कि गेन इंक्रीज कर रहा है ऐसा क्यों होता है ये जो जीएसएचएस की वैल्यू होती है दिस जी एस एच एस इज ऑलवेज लेस देन वन इस जीएसएचएस की वैल्यू हमेशा ही लेस देन वन होती है मान लेते हैं कि जी एस एच एस की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव है ठीक है तो अगर मॉड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन देखा जाए या फिर गेन देखा जाए तो क्या आएगा जी एस अपॉन वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो डिनोमिनेटर में आया जीरो पॉइंट फाइव है ना वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव कर दिया तो डिनोमिनेटर में जीरो पॉइंट फाइव आया और ये इसमें क्या आएगा इसमें आएगा वही अगर जी एस एच एस की वैल्यू जी एस एच एस की वैल्यू हमने क्या ले लिया है जीरो पॉइंट फाइव ले लिया है ठीक है तो वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव से ये जीरो आया था ये वन प्लस है तो यहाँ क्या जी एस अपॉन फाइव फाइव तो यहाँ ट्रांसफर फंक्शन है mod, यानी जो गेन है ये आया समथिंग अपॉन तो देखिए ये वैल्यू अगर कम है तो इसका गेन बढ़ा हुआ रहेगा ठीक है और यहाँ पे अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो इसका गेन घटा हुआ मिलेगा इसलिए लिखा है गेन इंक्रीजेस इन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड गेन रिड्यूसेस इन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ठीक है थोड़ा सा लॉजिकली समझने के लिए देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा तो क्या हो रहा है कि वैल्यू यहाँ से जो एरर आ रहा है ये इनपुट है और यहाँ से फीडबैक आ रहा है तो जो भी इसका एरर होगा ये रिड्यूस मिलेगा रिड्यूस मिलेगा ये जो गेन है इसकी वैल्यू भी कम है ठीक है तो आउटपुट को इनपुट से मैच कराना यही हमारा टारगेट है क्योंकि ये रेफरेंस होता है ये एक्चुअल आउटपुट होता है ठीक है तो हम उतना इजीली इसे पा सकते हैं जबकि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है उसके अंदर यहाँ से भी एक यहाँ से जो आ रहा है और यहाँ से जो आ रहा है दोनों एक फेज़ में है यानी इधर से जो पार्ट आ रहा है वो और एडअप कर रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रही है गेन बढ़ रहा है अब ये कम ये कम जो आउटपुट है ये भी बढ़ रहा है ठीक है तो ये आउटपुट इतना ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से एक अनकंट्रोलेबल सिस्टम हो जाता है अगर अनकंट्रोलेबल सिस्टम है गेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल रहा है एक अनकंट्रोलेबल सिस्टम है जिसकी वजह से इसमें आते हैं ठीक है ये वो पॉइंट्स हैं जो ये पीछे स्टेटमेंट्स को कंक्लूड करने के काम आएंगे ठीक है तो देखिए क्या है कि लेस स्टेबल सिस्टम है पॉजिटिव फीडबैक लेस स्टेबल है हमने भी क्या बात की

तो ये इसमें और सिग्नल जनरेटर में ठीक है सिग्नल जनरेटर में भी यूज होते हैं ये वाले पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जबकि जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है है ना ये भी हमने बात कर ली ज़्यादा स्टेबल क्यों है क्योंकि ये गेन हमारे हाथ में है ठीक है गेन हमारे हाथ में है ये वाला जो आउटपुट है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल आउटपुट मिल रहा है ठीक है तो ये हो गया मोर स्टेबल और इसको हम एम्पलीफायर्स में यूज़ करते हैं दूसरा बैंडवेथ इसकी बात अभी करेंगे कि इसमें बैंडवेथ यहाँ जान लेते हैं कि इसकी बैंडवेथ डिक्रीज रहती है और इसकी बैंडवेथ इंक्रीज रहती है कैसे रहती है ये अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे अगर कोई सिस्टम कम स्टेबल है तो वो एक्यूरेसी भी उसकी कम होगी ठीक है अगर कोई सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है तो वो एक्यूरेट भी ज़्यादा होगा ठीक है इसके बेसिस पे एक्यूरेसी को कंक्लूड किया है कि एक्यूरेसी इसमें लो होती है और इसमें एक्यूरेसी हाई होती है ठीक है अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पहले तो ये जान लें कि स्टेबिलिटी किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से हम कैसे देख सकते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से मान लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू एस प्लस थ्री ठीक है ये दिया हुआ है मान लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन तो पहले तो दिस इज जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी हम निकालते हैं पोल्स ऑफ सिस्टम से किसी भी सिस्टम के पोल्स डिसाइड करते हैं कि वो सिस्टम कितना ज्यादा स्टेबल है जैसे यहाँ पे दो पोल्स दिख रहे हैं एस प्लस टू एस प्लस थ्री ठीक है तो पोल जीरो प्लॉट है ये पोल जीरो प्लॉट है इसमें एक पोल है माइनस टू पे एक पोल है माइनस थ्री पे ठीक है तो ये कैसा सिस्टम है ये हो गया एक स्टेबल सिस्टम क्यों क्योंकि इसके पोल्स एल एच एस पे लाई कर रहे हैं तो कभी भी पोल्स अगर एल एच एस पे लाई करते हैं तो दैट इज स्टेबल सिस्टम अगर आर एच एस पे लाई करते हैं तो दैट इज अनस्टेबल सिस्टम और अगर कभी पोल्स मार्जिन पे लाई करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मार्जिनली स्टेबल सिस्टम ठीक है अब अनस्टेबल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर ये दिया है सिस्टम एस माइनस टू ठीक है तो इसका पोल जीरो प्लॉट क्या होगा ये यहाँ ड्रॉ एस इज इक्वल्स टू टू होगा ठीक है तो एस इज इक्वल्स टू टू यहाँ पे बना ठीक है ये आ, पोल जीरो प्लॉट तो ये वाला जो सिस्टम है ये हो गया अनस्टेबल सिस्टम क्योंकि इसका पोल आर एच एस पे लाई कर रहा है ठीक है तो ये है आ, इस सिस्टम के थ्रू हम देख सकते हैं इस सिस्टम का निकालते हैं ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा वन अपॉन एस बाई टू क्या है जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस ठीक है तो वन अपॉन एस टू प्लस वन अपॉन एस बाई टू ठीक है तो देखिए पॉजिटिव uh, और नेगेटिव दोनों फीडबैक्स की बात कर रहे हैं तो अगर पॉजिटिव फीडबैक था तो यहां प्लस आ रहा था तो देखिए क्या आएगा इसमें वन अपॉन एस प्लस टू प्लस वन ठीक है वन अपॉन एस प्लस थ्री किसका ट्रांसफर फंक्शन आया है कौन से वाले फीडबैक का नेगेटिव फीडबैक का सॉरी क्योंकि ये प्लस जो है ये किस में मिलता है हमें नेगेटिव फीडबैक में मिलता है वहीं अगर पॉजिटिव फीडबैक हो अगर पॉजिटिव फीडबैक रहता तो हमें क्या मिलता जी एस अपॉन वन माइनस जी एस एच एस अगर इसी सिस्टम का ये निकालना हो तो क्या कैसे निकालेंगे वन अपॉन एस प्लस टू होल अपॉन वन माइनस वन अपॉन एस प्लस टू ठीक है इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वन अपॉन एस प्लस वन आएगा ठीक है एस प्लस टू ऊपर लेकर जाएंगे तो टू माइनस वन करके ये पार्ट आएगा तो दिख रहा है कि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है वन अपॉन एस प्लस वन और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है एस प्लस थ्री ठीक है ठीक है तो क्या कंक्लूड हुआ कि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम था पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम था उसका ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है वन अपॉन एस प्लस वन और जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था उसका ट्रांसफर फंक्शन आ रहा था वन अपॉन एस प्लस थ्री ठीक है तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है वन एस इज़ इक्वल्स टू माइनस वन और यहाँ से निकल के आ रही है एस इज इक्वल्स टू माइनस थ्री ठीक है तो एक तो ये चीज़ यहाँ जानने वाली है कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है सिस्टम एक है माइनस वन और एक है माइनस थ्री ठीक है तो जितना ज़्यादा हम एल एच एस की तरफ पे जाएंगे उतना ज़्यादा हमें ज़्यादा स्टेबल सिस्टम मिलेगा तो दिख रहा है कि जो नेगेटिव फीडबैक है उसमें हमें माइनस थ्री वैल्यू मिल रही थी तो ये हुआ ज़्यादा स्टेबल सिस्टम इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ माइनस वन एक और चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि अगर टाइम कांस्टेंट या फिर बैंडविथ निकालनी हो पीछे बैंडविथ की बात कर चुके हैं तो अगर बैंडविथ निकालनी हो तो क्या करना होगा वन प्लस एस टी फॉर्म में करना होगा तो ये है वन प्लस एस टी फॉर्म में है ठीक है तो यहां से निकालिए पहले आ, इसको वन प्लस एस टी फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा वन बाहर ले लीजिए वन बाई एस ठीक है तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या आई वन ठीक है और यहां से टाउ की वैल्यू क्या आएगी अगर इसे वन प्लस एस टी फॉर्म में करना है तो थ्री कॉमन ले लीजिए वन प्लस एस बाई थ्री तो यहां से टाउ की वैल्यू कितनी आई वन बाई थ्री और बैंडविथ की वैल्यू क्या होती है बैंडविथ होता है वन अपॉन टाइम कॉन्स्टेंट तो बैंडविथ की वैल्यू कितनी आएगी थ्री बैंडविथ आया थ्री ठीक है और यहाँ पे बैंडविथ कितना आएगा जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम था यहाँ पे बैंडविथ आएगा वन तो इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं

एडवांटेजेस क्या क्या है ट्रांसफर फंक्शन के ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या क्या बता सकता है ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन फंक्शन बताता है है पोल्स पोल्स एंड ऑफ ऑफ द सिस्टम हमें हमें स्टेबिलिटी बता सकता नंबर से पता चल जाएगा कि कितने पोल्स एल एच एस पे लाई कर रहे हैं और किस तरफ लाई कर रहे हैं कितना कौन ज्यादा एल एच एस की तरफ है कौन कम एल एच एस की तरफ है तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम पता कर सकते हैं टाइम कॉन्स्टेंट पता कर सकते हैं आपने देखा और बैंडवेज पता कर सकते हैं तो देख रहे हैं आपके इतने सारे एडवांटेजेस हैं इतने सारे फीचर्स हम पता कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू और ये फीचर से ही निकल के आता है बिहेवियर ऑफ़ दैट सिस्टम अब ट्रांसफ़र फंक्शन के कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं वो ये हैं कि ये सिर्फ लीनियर टाइम इन्वेरियंट सिस्टम के लिए ही लागू होता है लीनियर सिस्टम कौन से वही वाले सिस्टम्स जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब एडिटिविटी और होमोजेनिटी की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं ठीक है ये हुए है एल टी आई लीनियर सिस्टम और टाइम इन वेरियंट सिस्टम अगर कोई व्यक्ति है जिसका बिहेवियर लगातार टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है तो हम उसका बिहेवियर नहीं एग्जैक्ट बता सकते ठीक है उसका स्टेबल बिहेवियर होना इज इम्पॉर्टेंट ठीक है तो इसको हम कहते हैं टाइम इन वेरियंट सिस्टम जो टाइम के साथ चेंज करते हैं टाइम uh, के साथ चेंज uh, नहीं करते हैं वो हुए टाइम इन वेरियंट सिस्टम तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ एल सिस्टम्स के लिए ही निकाल सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन और दूसरा कि इनिशियल कंडीशन को हम नहीं कंसिडर कर पाते ठीक है बिकॉज हम लोग क्या पढ़ते हैं ट्रांसफर फंक्शन का क्या डेफिनेशन है लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ट्रांसफर फंक्शन की भी कुछ बातें कर ली और मेन इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन देख लिए अब आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट गेट के क्वेश्चन और ट्रांसफर फंक्शन के कुछ और छोटे कॉन्सेप्ट जानेंगे ठीक है थैंक यू